हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रेम पांडे। वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। तो यार बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर जो क्लास 8 एनसीईआरटी हनीड्यू बुक है इंग्लिश की, उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, उसमें एक पोयम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसी का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो की काफ़ी डिमांड आ रही थी और मुझे पता भी चला कि क्यों डिमांड आ रही थी, क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब पे सर्च किया और मैं एक्सप्लेनेशन देख रहा था इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो मुझे खुद में सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और मुझे लगा कि हाँ भाइयों को ज़रूरत है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, फुल एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से है यार। और एक बात और, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो रेड बटन दबाओ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमयी बिल्ली के बारे में ये पूरी पोयम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू हैव अ पेट कैट, क्या तुम्हारे पास कोई पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट, क्या तुमने कोई रहस्यमयी चीज नोटिस की है? क्या कोई रहस्यमयी चीज तुमने देखा है अपनी पालतू बिल्ली में? इट इज नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज अ मिस्ट्री, और ये कहना आसान नहीं है, मतलब ये कहना सही नहीं होगा कि हर बिल्ली जो होती है वो एक रहस्यमयी बिल्ली होती है। लेकिन जो मैकाविटी नाम की जो बिल्ली है जिसके बारे में हम इस पर्टिकुलर पोयम में पढ़ने वाले हैं, वो तो रहस्यमयी है, निश्चित ही रहस्यमयी है। व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट, ऐसा क्या है उसके अंदर जो जिसकी वजह से वो एक रहस्यमयी बिल्ली बन गई है? इस पोयम को पढ़िए और पता करिए। चलिए पोयम को स्टार्ट करते हैं। मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकाविटी नाम की जो एक बिल्ली है वो एक रहस्यमयी बिल्ली है, मिस्ट्री कैट है। रहस्यमयी का मतलब जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता यार, क्या करता है क्या नहीं करता, उसको हम मिस्ट्री कैट बोलते हैं, ठीक है। तो मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट है, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, इसे एक गुप्त पंजा हिडन पॉ के नाम से बुलाया जाता है। इसका नाम ही रख दिया गया है गुप्त पंजा, छुपा हुआ पंजा। क्यों इसका नाम रखा गया है? क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि ये कब आती है, कब जाती है, कहां आती है और कहां जाती है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, ये जो मैकाविटी है ना वो एक मास्टर क्रिमिनल है, मतलब बहुत बड़ी अपराधी है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो कानून को तो यूं चुटकियों में तोड़ देती है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, और ये जो मैकाविटी है ना वो सबसे बड़ी बैफलमेंट बन चुकी है, परेशानी बन चुकी है, किसके लिए? स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। अब स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? जो लंदन पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उसको स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं। तो उस पूरे हेडक्वार्टर में केवल मिस्ट्री कैट जो है मैकाविटी, वो दिक्कत बनी हुई है, बैफलमेंट का कारण बनी हुई है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और जो फ्लाइंग स्क्वाड है, फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब पुलिस की वो टुकड़ी जो घटना स्थल पर पहुंचने के लिए एकदम तैयार होती है कि कहीं कोई घटना घटे और तुरंत वो पुलिस वहां पर पहुंच जाए, उसको कहते हैं फ्लाइंग स्क्वाड। तो फ्लाइंग स्क्वाड के डिसपेयर मतलब दुख का कारण भी कौन है? मिस्ट्री कैट, ये मैकाविटी है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि जब ये लोग उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं जहां पर मैकाविटी ने घटना किया रहता है, मैकाविटी नॉट देयर, मैकाविटी वहां पर मिलता ही नहीं है, वो फरार। मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी की तरह कोई भी नहीं है। ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, मैकाविटी ने इंसान के द्वारा बनाए गए हर कानून को तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैकाविटी ने यहां तक कि जो भगवान ने कानून बनाया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे एक दिन जरूर आएगी, लेकिन इस कानून को भी मैकाविटी ने तोड़ दिया है। कैसे तोड़ दिया है? हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, जो मैकाविटी की हवा में उड़ने की क्षमता है, लेविटेशन मतलब हवा में उड़ने की जो क्षमता है ना, वो एक फकीर को भी घूरने पे मजबूर कर देती है। अब फकीर कौन होता है? फकीर वो होता है जिसके पास थोड़ी बहुत शक्तियां होती हैं, जो बाबा वाबा होते हैं ना उसी को फकीर कहते हैं। तो मैकाविटी इतनी रहस्यमयी है ना, वो हवा में उड़ सकती है, उसकी इस पावर को देख के फकीर भी अचंभित है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब तुम घटना स्थल पर पहुंचोगे जहां पर मैकाविटी ने क्राइम किया है, मैकाविटी इज नॉट देयर, तुम्हें वहां पर मैकाविटी नहीं मिलेगी। यू मे सीक हिम,
मिलेगा, एक्चुअली ये बिल्ला है, ठीक है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, तुम चाहे मैकेविटी को कहीं पर भी ढूंढ लो। सीक का मतलब ढूंढ लो, कहां कहां पे ढूंढ लो, तुम चाहे मैकेविटी को बेसमेंट में ढूंढ लो, चाहे तुम पाताल जमीन के नीचे ढूंढ लो, या तुम आसमान में हवा में ढूंढ लो। बट आई टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं वंस एंड वंस अगेन, एक बार मैं तुम्हें फिर बताता हूं, मैकेविटी इज नॉट देयर, तुम्हें मैकेविटी घटना स्थल पर नहीं मिलेगा। चाहे तुम पाताल में ढूंढ लो, चाहे तुम आसमान में ढूंढ लो। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, मैकेविटी एक हल्के नारंगी कलर की बिल्ली है। जिंजर कैट मतलब जिंजर, अदरक के कलर की एक बिल्ली है मैकेविटी। ही इज वेरी टॉल, वो बहुत लंबी है और बहुत पतली है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, अगर तुम एक बार मैकेविटी को देखे होगे तो तुम पहचान जाओगे कि यही मैकेविटी है। फॉर हिस आईज आर संकेन इन, क्योंकि मैकेविटी जो बिल्ली है ना, उसकी आंखें धसी हुई हैं, उसके चेहरे में क्या है, धसी हुई है। इसी की वजह से कोई भी मैकेविटी को आसानी से पहचान लेता है। हिस ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, और जो मैकेविटी की आईब्रो है, आप देख रहे हो आंखों के ऊपर जो उसकी ब्रो है वो लाइंड है, मतलब एक अजीबो करीब तरीके से क्या है, लाइनिंग है। क्यों? क्योंकि वो थॉट में डूबी हुई है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, बहुत गहरी सोच में वो डूबी रहती है, जिसकी वजह से इसकी आंखों के ऊपर जो आईब्रोज है ना वो ऐसे हो गई हैं। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, उसका जो सर है ना एक गुंबज की तरह निकला रहता है। अब ये देख रहे हो आप, टोपी गोली सी है, यहाँ डोम की तरह बन गया है कि नहीं, तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि जो मैकेविटी का सर है वो हाईली डोम्ड है, मतलब बहुत ऊंचा गुंबज की तरह निकला हुआ है। आगे देखते हैं क्या है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट, जो मैकेविटी जो कोट पहने हुए है, ये है मैकेविटी का कोट, देख रहे हो हरे कलर का, जो मैकेविटी जो कोट पहने हुए है वो धूल से भर चुका है। और क्यों? क्योंकि वो निग्लेक्ट करता है, ये जो मैकेविटी है ना वो अपने कोट को साफ ऑफ नहीं करना चाहता। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ब्ड, और जो मैकेविटी के जो विस्कर्स हैं, ये देख रहे हो इसके मुंह पर जो मूछे टाइप की बनी है, बाल है ना, हेयर्स हैं, उसी को विस्कर्स कहते हैं। तो ये जो इसकी विस्कर्स हैं वो अनकॉम्ब्ड है, मतलब वो कभी कंघी नहीं करती है उस पर। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और जो मैकेविटी नाम का जो बिल्ला है ना वो अपने सर को साइड बाय साइड हिलाता है, मतलब कभी इधर कभी उधर, किसकी तरह, एकदम सांप की तरह, विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, एक सांप की तरह जैसे जिगजैग मैनर में सांप चलता है ना, सेम वैसे ही मैकेविटी अपना सर इधर उधर करता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज आप स्लिप, और जब तुम्हें लगेगा कि मैकेविटी आधा सोई हुई है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, मैकेविटी हमेशा जगा रहता है, मतलब वो हमेशा सजग रहता है। मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी की तरह कोई भी नहीं है। फॉर ही इज अ फिंड इन फेलाइन शेप, क्योंकि वो क्या है, एक फिंड है, एक राक्षस है, बिल्ली के आकार में, फेलाइन का मतलब होता है बिल्ली, बिल्ली के आकार में एक राक्षस है, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, ये एक ऐसा राक्षस है जिसका आचरण बिल्कुल सही नहीं है। डिप्रेविटी का मतलब क्या होता है, जो मोरली इनकरेक्ट हो, जैसे मर्डर करना इनकरेक्ट है लेकिन ये मर्डर करता है, इसलिए ये डिप्रेविटी का राक्षस है, ठीक है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, तुम मैकेविटी को कहीं भी देख सकते हो, तुम अपनी बगल की गली में देख सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, तुम मैकेविटी को चौराहे पर देख सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन अगर कोई घटना घटती है और अगर मैकेविटी ने उस घटना को किया है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तब तुम्हें मैकेविटी वहां पर नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी इंटरेस्टिंग पोयम एक जासूस के बारे में, जिसका नाम था मैकेविटी, जो बहुत बड़ी अपराधी थी, उसके बारे में हमने पढ़ा। इस पोयम को लिखा है T.S. एलियॉट ने। इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर है, वो आपके लिए जल्द लेके आएंगे। चैप्टर को आपने इंजॉय किया होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।